हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अकेडमी में। दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह और लेके आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का आज का हमारा सेशन। तो भाई जितने भी दोस्त मेरे साथ यहाँ पे जुड़ गए हाय हेलो कर दो, जिससे मुझे पता पड़ जाए कि आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है। और अगर वॉइस एंड एवरीथिंग क्लियर होगा तो फिर हम आगे बढ़ें। इससे पहले भैया अनअकैडमी जो है आप लोगों के लिए यूपीएससी के लिए एक समिट लेके आ रहा है और बहुत बड़े बड़े स्पीकर जो हैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हैं। तो भैया जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री में है, पैसा भी नहीं लग रहा है और आई डोंट थिंक कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी एक साथ इतने सारे लोगों से कनेक्ट होने की और जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थम्सअप कर दीजिए, मैं देख लूँ कि जो वॉइस है वो आप तक पहुँच रही है और फिर जो है हम सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो है आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो पहुँच रही है, तो दिस इज़ वेरी गुड। अब हम जो है हमारा आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आप लोगों को एक काम करना है, ये करना है कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो भैया प्ले स्टोर पर जाओ, ऐप स्टोर पर जाओ, इस ऐप को डाउनलोड करो। एंड अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, आपके टेस्ट सीरीज या फिर दुनिया भर की सारी चीज़ें जो आप बाहर 1.5-2 लाख रुपये में लेते हो, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको उसकी 1/4 दाम में यहाँ पर हो जाएगी। उसके ऊपर से भी एक फ़ायदा ये है कि भैया मेरा कोड अगर यूज़ कर दोगे, यह है मेरा कोड, अगर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करिए। इसके अलावा देखिए भैया ये मेरे बारे में है, आप चाहें तो मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, दिस इज़ माय टेलीग्राम हैंडल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डाउट्स के लिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो। अभी देखो हमने पॉलिटी का पहला चैप्टर उठाया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। बहुत सारे बच्चे आज पहली बार आए थे, काफ़ी बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर इसको एक बार फिर से करिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन होगा ना वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरा ख़त्म कर देगा। पॉलिटी लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर पहला है आज हम इसको पूरा ख़त्म करके बढ़ेंगे आगे। आप लोगों को मेरे साथ रहना होगा और वीडियो पर फोकस रखना होगा। एंड इसके बाद आप लोग ज़िंदगी में कभी भी, मैं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में आए हुए हैं या फिर टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, जिससे कि आप लोगों को और पकड़ बैठ जाएगी कि भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस दिन, याद होगा, या फिर जिन्होंने बिल्कुल पहली बार आज क्लास में आ रहे हो सुनना मेरी बात। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ना, तो उसने एक चीज़ सबसे पहले करी थी, वो ये करी थी कि भाई उसने भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो आई थी वो किस लिए आई थी, थोड़ा याद करिए, थोड़ा सोचिए। हम सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो आई थी वो एज ए ट्रेडर आई थी। किसकी तरह आई थी? एज ए व्यापारी। पर धीरे धीरे कर ये हमारे देश में आप कह सकते हो कि अपनी पकड़ इन्होंने बना ली और भारत का साम्राज्य भारत पे इन्होंने अपना स्थापित कर लिया। इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी हम लोग खुद, हमारे राजा खुद। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो क्या करती थी, ये ट्रेड करती थी। क्या करती थी? ट्रेड। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करती थी ना वो कैसे करती थी, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। इनके पास बंदे तो होते नहीं थे व्यापार करने के लिए। मान लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिस्किट बेचती थी, क्या करती थी? बिस्किट बेचती थी। पर भैया ये तो बना सकते थे, ला सकते थे, लेकिन बेचने तो ही नहीं जा सकते थे ना, इतने लोग थोड़े थे। तो बेचने कौन जाता था? इंडियंस जाते थे। कौन जाते थे? इंडियंस। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? अब ध्यान से सुनना, इंडियंस को ऐसा लगा कि भैया हम इनसे 2 रुपये का सामान ले रहे हैं और यहाँ पे हम 2.5 रुपीज़ में बेच रहे हैं और ये जो 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है ये सारा का सारा ब्रिटिशर्स रख ले रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इंडियंस ने क्या किया, इनसे ले लेके अपना इंडिविजुअल बिजनेस शुरू किया और खुद जाके चीज़ों को बेचने लगे। ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आने लगी, उनको लगा भैया हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा है और ये तो ऐसे चलेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्ट लेके आती है और उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जब भी ब्रिटिशर्स को हम भारतीयों से कोई समस्या होती थी ना, वो एक ही चीज़ करते थे गाइस, वो सिर्फ एक चीज़ करते थे, वो एक्ट लेके आते थे। समय समय पे बहुत बार अलग अलग एक्ट लेके आए और सबसे पहला एक्ट इस तरीके का जो इनका आया था वो क्या था? एक्ट ऑफ 1773, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी चीज़, ये जो इमेजेस हैं इससे दिल मत लगाना, किसी भी सेंटीमेंट्स को हट करने का कोई वो नहीं है, अपन सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी आपको जो अच्छा लगता है, जो पॉलिटिकल लीडर अच्छा लगता है भैया आपकी वो चॉइस है ना। चलो, रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 में। कब आया? 1773 में। सबसे पहली चीज़ इस एक्ट में क्या हुई, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे इनका नाम क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया किस एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, तो ये चीज़ें आपको कनेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बनाए गए थे, ज़्यादा पावर किसके पास थी, ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थी, नाम से समझ में आ रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की, सब किस में हो रहा है, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट में ही हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे थे किसके अंडर में थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके पास ज़्यादा पावर थी। यहाँ पे ये चीज़ करी गई जो मैंने आपको बताया, नो प्राइवेट ट्रेड। इंडियंस को कहा गया भैया आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको हमारे अंडर ही काम करना है, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही काम करना है। सुप्रीम कोर्ट बनी थी कोलकाता में, कहाँ बनी थी, कोलकाता में। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, जवाब देना, मैंने वैसे फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था, जब सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में पहली बार बनी थी तो इसमें कितने जजेस थे? एक आपके चीफ जस्टिस थे प्लस 3 सबऑर्डिनेट जज थे इनके। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी, कलकत्ता में बनी थी। पूछ लिया जाएगा किस एक्ट में बनी थी, तो भैया ध्यान रखना किस एक्ट में बनी थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इतनी चीज़ें क्लियर हैं सभी को? इतने में कोई डाउट है, जल्दी बताओ, इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है, और क्लियर होनी भी चाहिए, कोशिश करी जा रही है आपको क्लियर करने की, तो आपको पता होगा तभी तो मजा आएगा, है ना। तो भैया हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ कुछ देखा, और हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या क्या देखा थोड़ा सा समझते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने देखा कि भैया गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई इनके द्वारा 4 मेंबर्स की, तो भैया इन्होंने वो भी कर लिया। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर ही। प्राइवेट ट्रेड मना कर दिया, जो कि भैया इनको बड़ा नुकसान हो रहा था, भारतीय लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी, जिसमें आपके एक चीफ जस्टिस थे एंड 3 जजेस थे। ठीक है, फिर से देख लो, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। ठीक है, नो प्राइवेट ट्रेड हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो गया। क्लियर है इतनी बातें? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है भैया, इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, पिट्स एक्ट 1784 की, पिट्स एक्ट 1784 की। तो भैया जितने बच्चे हैं उनसे एक क्वेश्चन है, जितने भी दोस्त हैं मेरे यहाँ पे उनसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी थी तो इसमें कितने जजेस थे, ये बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। इफ आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप लोगों को मेरी बात जा रही है, तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बैठी थी तो अब इसमें कितने जजेस थे, बता नहीं रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो पिट्स एक्ट 1784 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पिट्स एक्ट 1784 की। एक चीज ध्यान रखना, ब्रिटिशर जो है ना, मोस्टली जो एक्ट्स है ना वो 10-10 ईयर्स के अंतराल में लाते थे, हर 10 साल में ही एक नया एक्ट लेके आते थे। और क्यों लाते थे भैया, सबको पता है, कुछ 10 साल में इम्प्लीमेंट किया, कुछ कमियां दिखी कि भैया ये चीज़ और अच्छा कर सकते हैं हम, इंडियंस का शोषण हम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इन्होंने करने के लिए भैया ये पिट्स एक्ट 1784 लिया है। इससे पहले इनके पास था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी थी तब इसमें कितने जजेस थे, तो कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, कुछ कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, बाकियों से मैं जवाब की अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो एक्ट को 10-10 साल में लाते थे, उसके पीछे मेन रीज़न क्या रहता था कि भाई इन्होंने आज कोई एक्ट इम्प्लीमेंट किया, 10 साल में इनको ये बात फील हो जाती थी कि भैया इंडियंस का शोषण और कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ इसमें कमी रह गई थी, तो जिसके चलते हुए इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने उसको फिर तब्दील किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद ये लेके आए क्या, पिट्स एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, इसके आगे बढ़ें, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है ये कि भैया भारत में पहली बार कौन आया था,
ब्रिटिश के साइड से, ब्रिटिशर्स के साइड से उनका नाम क्या था और किस मुगल रूलर के समय आए थे। तो ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री का चीज़ें पूछ रहा हूँ, इतना आप लोग बताने की कष्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा ये। ठीक है, अब अगर मुझे गलत लग रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे जो उम्मीद है। ठीक है चलो, जजेस से आगे बढ़ो, अभी इस क्वेश्चन का जवाब दो। कौन से मुगल रूलर थे जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार आई थी, बता दो। फिर इस पे बढ़ते हैं, पिट्स एक्ट 1784 भी देखते हैं फिर, है ना। तो देवीलाल ने जवाब दिया है, विलियम हॉकिंस। ठीक है देवीलाल, वेरी गुड। पीयूष आपका जवाब गलत था, जजेस वाला। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे, है ना, बढ़ते हैं आगे भाई, अब समय व्यर्थ नहीं करते हैं। पिट्स एक्ट 1784 की बात करते हैं। पिट्स एक्ट 1784 में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर को डिस्टिंग्विश कर दिया गया। क्या किया गया, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर दोनों को क्या कर दिया गया, डिस्टिंग्विश कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ये पहली बार हुआ था, ये पहली बार हुआ था पिट्स एक्ट 1784 के अंदर, कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो काम था दोनों को डिफरेंट कर दिया गया, दोनों को अलग कर दिया गया। प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन बनाई गई, क्या बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक टर्म सामने आई, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये सब किसमें हुआ, ये सब पिट्स एक्ट 1784 में हुआ। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल पावर जो है वो अलग अलग कर दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना करी गई, एंड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ये टर्म सुनने में पहली बार आई। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही है बात। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बीच में भी कुछ एक्ट आए थे लेकिन हम उनको बाद में पढ़ेंगे। रीजन क्या है, पहले हम उन एक्ट को पढ़ रहे हैं जो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में वो वाले भी एक्ट देख लेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। देखो ये जो पहला चैप्टर होता है ना लक्ष्मीकांत का, अगर आप लोग लक्ष्मीकांत स्किप कर जाओ पहला चैप्टर तो भी चलेगा कुछ एक्ट्स पढ़ के, क्योंकि जो बचा हुआ चीज़ें हैं ना वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो। नहीं पढ़ोगे तब तो भैया फिर यही पढ़ लो, बहुत है। चलो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात हो रही है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मिलिट्री एंड सिविल पावर्स दोनों इनको दे दी गई, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। गवर्नर जनरल इंडिया बन गए कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑल दो आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसा यूपीएससी पूछेगा, कि बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन स्टेट पीएससी जो आप देते हो वहां पे ऐसा पूछा जा सकता है, बाकी मेंस में आंसर लिखने में काम आ सकता है ये। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो किस एक्ट में जाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, ध्यान रखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बने थे, और इनके पास क्या क्या था, मिलिट्री एंड सिविल पावर्स थी। ठीक है, क्लियर है बात, इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, वेरी गुड देवीलाल, जवाब आपके काफी सही हो रहे हैं। सुरेश सही है जवाब। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात हो रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम हो गया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो हुआ इसमें, लेकिन पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना कौन, क्या नाम था इनका, इनका नाम था क्या, विलियम बेंटिक। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, एक चीज और यार, अगर आप अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लस का, और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स जो अच्छे अच्छे उनसे पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड है MPS, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपके एग्जाम तक, जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद देखो, द एक्ट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। चार्टर एक्ट 1833 ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ जो कॉमर्शियल बॉडी का टैग लगा हुआ था उसके तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कदम था। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर टेकन ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। भैया बंगाल के तो जो गवर्नर थे उनको तो बिल्कुल हीरो बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, वहीं जो मद्रास और बॉम्बे वाले थे उनको बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया, उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली गई। किसमें हुआ ये, ये भी हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है,
इतनी चीजें क्लियर हैं सभी को, किसी को कोई डाउट है इतने में नहीं है। इसके बाद देखो बात करते हैं आगे, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर टेकन इन देयर लेजिस्लेटिव पावर। विलियम बेंटिक साहब, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे देश के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सिविल सर्विस को इंसर्ट करने की कोशिश करी गई थी। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इंसर्ट इस एक्ट में हुई थी। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भैया सिविल सर्विसेज इंसर्ट किस एक्ट में हुई थी, तो चार्टर एक्ट 1833 गलत जवाब है। चार्टर एक्ट 1833 में कोशिश करी गई थी कि सिविल सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए, लाया जाए, लेकिन ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। हाय नयन, हाय देवीलाल। ठीक है, अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। मैंने क्या बताया, जो एक्ट रह गए हैं उसको हम एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तो हम वो एक्ट पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इन सब चीजों को पढ़ते होगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको फील हुआ होगा। अगर आपसे कभी भी जिंदगी में कोई पूछे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो किस एक्ट से आया है, तो ध्यान रखना चार्टर एक्ट ऑफ 1853 किससे आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यूपीएससी ओपन कॉम्पिटिशन डाला गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो अलग कर दी गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। ओपन कॉम्पिटिशन हुआ था, ब्रिटिश पोजेशन एंड ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक नई टर्म यहां पर देखने को मिली थी जो पहले नहीं हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? देखो भाई, ब्रिटिश पोजीशन ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पे देखो पूरा लिखा नहीं है, ये लिखा क्या हुआ है, ब्रिटिश पोजीशन ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ये एक नई चीज आई थी सामने। पहले क्या था भैया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, अब क्या है कहीं ना कहीं क्राउन का कंट्रोल दिखाने की बात हो रही थी, तो क्या बोला, ब्रिटिश पोजीशन ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल काउंसिल जो है वो बढ़ा दी गई थी। देखो होता क्या था, एक्चुअली देखना ध्यान से सुनना मेरी बात, होता ये था ना कि इंडियंस जो थे हम लोगों को बीच बीच में झटका लगता था कि भैया ये जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे देश में अच्छा नहीं कर रहे हैं और हमें इनको हमारे देश से भगाना है। लेकिन समस्या क्या होती थी कि समय समय पर ना ब्रिटिशर्स हमारे सामने लड्डू फेंकते थे, लड्डू जैसे कि ये लड्डू था, लोकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बढ़ा दी गई, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए था। एक्चुअली में आपके पास कोई पावर नहीं थी, आपको कोई पावर नहीं दी गई थी, ये सिर्फ दिखाया गया था कि भैया हाँ हम आपको भी गवर्नमेंट मेकिंग में, रूल मेकिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि लोग खुश हो जाएं, कुछ दिन के लिए मामला शांत हो और ब्रिटिशर्स अपना जो है काम करके निकल जाएं। तो ये जो चीज़ें थी ये समय समय ब्रिटिशर्स ने करी थी, 1857 के क्रांति के बाद जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद और करी थी, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में, ये आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी हैं एंड ठीक है, इसमें हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, पर इसके बारे में बात करूं तो उससे पहले अगर हम 1857 की जो रिवोल्ट थी उसके बारे में बात ना करें तो ये एक्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा। 1857 की बात थी, हमारे देश के लोगों ने एक रिवोल्ट स्टार्ट करी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे समझ में आ गया कि भैया इंडिया में इंडियंस की मंजूरी के बिना रहना अब तो पॉसिबल नहीं है, हमें इनको भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना होगा, कैसे ना कैसे करके हमें इनको भी खुश करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की यहाँ पे बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि भैया जो अपने अब तक किया वो सब जीरो हो गया है और कुछ नया करना होगा, और 1857 के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल जो है वो इंडिया पे से काइंड ऑफ खत्म हो गया और डायरेक्ट कंट्रोल जो किसने ले लिया, इंडिया का, ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। ठीक है, ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आपका 1857 का। हमें क्रांति के बारे में नहीं पढ़ना है, वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, बट मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपको इसको समझने के लिए पहले पता होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहला जो कदम हुआ ना वो हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके क्या हो गया, वॉइसराय ऑफ इंडिया। कौन थे भारत के पहले वॉइसराय, नाम बताओ। ठीक है, इसके बाद डबल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया गया। ये क्या है, मैंने आपको बताया था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और COD बनाए गए थे, तो इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। एक टर्म है सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करी, कहने का मतलब है कि सारी पावर केंद्रित एक जगह करने की कोशिश करी गई। ब्रिटिश क्राउन ने सब कुछ भारत में कंट्रोल करने की कोशिश करी अपने ऊपर। ठीक है,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट बनाए गए। हर स्टेट में देखो क्या किया गया कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिए गए। इसके अलावा इस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई किसके लिए, 15 मेंबर की यहाँ पे काउंसिल बनाई गई है असिस्ट करने के लिए इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो उसका क्या था, चेयरमैन था। क्या था, चेयरमैन। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना भैया, इन्होंने स्टेट्स में सेक्रेटरी अपॉइंट किए और इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बना दी, और जो चेयरमैन होता था इस पूरे काउंसिल का वो कौन होता था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये सब किस में हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हुआ। क्या करने की कोशिश कर रहे थे ये, तो ये भैया सेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे थे। क्या करने की कोशिश कर रहे थे, सेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे थे। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन में। ऐसा अचानक से धक्का लगा था यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को, तो इन्होंने सोचा कि ये जो तरीका अपना के हम जो है कुछ भला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने समझ में आ गया होगा, और ठीक है, मतलब आई थिंक इतनी चीज़ें जो हैं अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा एक दो क्वेश्चन, इसका जवाब दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। और मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ओपन कॉम्पिटिशन UPSC का किसने स्टार्ट किया था इंडिया में, ठीक है। ओपन कॉम्पिटिशन किस एक्ट से आया था इंडिया के अंदर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, मैं आप वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ओपन कॉम्पिटिशन किस एक्ट से आया था, जल्दी बताना यार, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ओपन कॉम्पिटिशन जो है वो किस एक्ट से शुरू हुआ था इंडिया में, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोशिश किस में करी गई थी पहली बार, 1833 में, लेकिन काइंड ऑफ प्रॉपरली ये ग्राउंड लेवल पे आया कब था आपका, इसी के अंदर आया था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1858 को हमने पढ़ा, देखो फिर इसके बाद एक 1861 का एक्ट भी आया था जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें बिल्कुल इसको रेसिप्रोकेट कर दिया गया था, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की कोशिश करी गई थी और वहाँ पे इसको जस्ट अपोजिट करके क्या कर दिया गया था, वापस से डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करी थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से चली थी, किस तरीके से आगे बढ़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक्ट ऑफ 1892 के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, एक्ट ऑफ, वेरी गुड देवीलाल, सही बोल रहे हो, पर बेटा इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करी गई थी देवीलाल, इसमें कोशिश करी गई थी बट प्रॉपरली वो चीज़ नहीं आ पाई थी, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक्ट ऑफ 1892 की हम बात करते हैं। एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल जो है उनको इंक्रीज कर दिया गया। ये फिर हमारे सामने क्या रखे गए, लड्डू, क्या रखे गए, लड्डू। पढ़ रहे हो क्या है, कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, नॉन ऑफिशियल, हमें नॉन ऑफिशियल बना के भैया इंक्लूड भी कर लिया तो किस काम के हम। तो ऐसे करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। डिस्कसिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस की पावर दी, फिर से लड्डू फेंका गया कि भैया आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो, पर कोई पावर थी क्या रियलिटी में, नहीं थी, लेकिन दिखाने के लिए उनके पास पावर थी। वो तो भैया कह रहे थे कि हमने तो आपको दिया है। नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बाय वॉइसरॉय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल के रिकमेंडेशन पे वॉइसरॉय साहब जो थे वो नॉमिनेट कर सकते थे किसको, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। अभी तक सब बातें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की हो रही हैं। इलेक्शंस का यूज हुआ था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को फिल करने के लिए, लेकिन इलेक्शन टर्म यूज नहीं हुई थी। इस प्रोसेस का यूज किया था लेकिन इलेक्शन टर्म का कोई यूज नहीं हुआ था, उस तरीके का यूज करके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपके एक्ट ऑफ 1892 के बारे में। जल्दी से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है,
नॉन ऑफिशियल मेंबर को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? लड्डू डाले गए इंडियंस के सामने कि भैया तुमको भी हम प्रॉपर वो दे रहे हैं, आपकी भी हम मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप लोग जो है थोड़ा शांत रहिए, परेशान मत होइए। इसके बाद खुश करने के लिए हमें डिस्कसिंग का, आस्किंग क्वेश्चंस का पावर हमें दे दिया। नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वॉइस रॉय, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल यहाँ पे हो गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्शंस के प्रोसेस के थ्रू इंक्लूड करा जाने लगा और इलेक्शन टर्म जो है वो यूज़ नहीं हुई। तो ये समझ में आने वाली बात है कि इलेक्शन प्रोसेस का तो यूज़ किया था लेकिन इलेक्शन टर्म का यूज़ इसमें नहीं किया था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एक्ट ऑफ 1892 के बारे में, एंड आई होप आपको ये जो एक्ट की बातें हैं बेसिक कुछ समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलो वेरी गुड, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब बात करते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के बारे में, 1909 के बारे में। मोर्ले मिंटो भैया बंदों का नाम है, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। सबसे पहली चीज क्या हुई? इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसकी साइज को क्या कर दिया गया गाइस? इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फिर से लड्डू फेंके गए कि भैया हम आपको ये भी पावर दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। नॉन ऑफिशियल मेंबर से क्या कहा, इंडियन से क्या कहा कि अब आपके पास ये भी पावर है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे इस पावर का भी यूज करने की कोशिश करी गई और इस पावर को भी देख के हमें क्या किया गया, बेवकूफ बनाने की कोशिश करी गई। इंडियंस को इल्यूजन में डाला गया कि भैया आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपको यहाँ पे राइट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसका कोई फायदा है क्या? नहीं है। आप नॉन ऑफिशियल मेंबर हो, आप क्वेश्चन भी पूछ लोगे, करेगा कौन? ब्रिटिशर्स की जो मर्जी होगी वो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इस एक्ट को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी भारत में कहा जाता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ब्रॉड किया था पहली बार भारत में। ये जो भैया हिंदू मुस्लिम टर्म के नाम पे वोट इलेक्शन ये सब जो शुरू हुआ ना, वो आपका 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही शुरू हुआ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम ध्यान रखना, ये पूछ सकती है यूपीएससी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या फिर आपको स्टेट पीएससी में कभी अपीयर करोगे तो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। ठीक है, मैंने क्या बोला, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? थिंग्स आर क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए। इसके अलावा अकेडमी ने आपके लिए बहुत अच्छा समिट प्लान किया है भी रिसेंटली जो होने वाला है यूपीएससी के लिए। फ्री में कॉन्क्लेव है पूरी की पूरी, इतने बड़े बड़े लोग उसमें बोलने वाले हैं, काफ़ी जानकार लोग उसमें बोलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अनअकैडमी पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएगा और उस टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप इतनी अच्छी समिट को मिस कर दोगे। और उसमें आपको अगर पूरा नहीं देखना है तो आपको जो जो अच्छे लगे आप उसमें टाइमिंग वाइज पूरा लिस्ट है कि भैया कब कौन क्या बोलने वाला है, तो आप उनको फॉलो करके स्पेसिफिक भी देख सकते हो। तो भैया जाओ ये करो। प्लस अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहते हो, मेरे से मेरे जैसे और अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो अपना एक कोर्स परचेस करो अनअकैडमी पे यूपीएससी का, और मेरा जो कोड है एमपीएस इसका यूज़ करो। आपको 10% का डायरेक्टली डिस्काउंट मिलने वाला है आपके टोटल मनी में। प्लस ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे साथ मिलेगा एक्सक्लूसिव, कि भैया मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी आपको आपके एग्ज़ाम तक, पर्सनल गाइडेंस 1-to-1, ये आपको अलग से इस कोड का यूज़ करने पे होने वाला है। तो लेट्स सी आप लोग कैसे क्या करते हैं। चलिए, एंड आप लोग इसकी इस पर्टिकुलर सेशन की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप ऐसे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं लेट्स स्टडी, और स्टडी में लास्ट में 3 Y, ठीक है, इस नाम से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं तो आपको चैनल मिल जाएगा, और वहाँ से आप इस पर्टिकुलर सेशन की और इस तरीके की और सेशंस की पीडीएफ ले सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे मेरा करंट अफेयर बूस्टर भी आता है प्रीलिम्स के लिए, जो स्पेसिफिक होता है, प्लस थोड़ा बहुत मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, तो वो भी आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। अभी अगला जो एक्ट है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोंड रिफॉर्म्स 1919। ये भी किसी के नाम है और उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं सबसे पहला क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला हुआ है कि रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वॉज स्टिल सेंट्रलाइज। तो इसमें थोड़ा सा ये इंग्लिश फ्रेम करने में गड़बड़ कर दी है,
अब आपको किसने कर दिया, मैंने गलती कर दी है जब लिख रहा हूँगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो हम समझते हैं भैया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया भैया कि इन्होंने सब्जेक्ट्स बना दिए कि एक होगा प्रोविनिशियल सब्जेक्ट्स, एक होगा सेंट्रल सब्जेक्ट्स, और इसका काम अलग होगा, इसका काम अलग होगा, आप अपने मुद्दे देखो, आप अपने मुद्दे देखो। लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है कि कुछ विपदा आ जाती है या फिर फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो फाइनल से हमेशा किसका होगा, सेंट्रल का। तो इन्होंने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए लेकिन फाइनल से रखा किसका, सेंट्रल का ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें एक जो खास अपडेट हुआ था इस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स में 1919 के बारे में, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट बाइफिक्रेट हो गए दो पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, जिसको डायरेक्टली भी बोला जाता है। देखो 2017 का प्रीलिम्स में पॉलिटी में क्वेश्चन आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डायरेक्टली क्या होता है समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ बात हो रही है ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट की, किसकी बात हो रही है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट की। तो अब आपको समझना होगा कि ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट है क्या, समझ में आई बात। और ये डायरेक्टली जो है ना, ये आपकी प्रोविंसेस में लाई गई थी, ये सेंट्रल में नहीं लाई गई थी, कहाँ लाई गई थी, प्रोविंसेस में, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा, उस क्वेश्चन का जवाब दो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पूछा था, मैं फिर पूछूंगा, किस एक्ट में अचानक से ब्रिटिशर्स ने सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू कर दी थी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा है, किस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने अचानक से सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू कर दी थी। भैया इतना समय कैसे ले रहे हो बेटा, अभी अभी हमने पढ़े हैं, अब इतना समय लोगे कैसे काम चलेगा। तो समय ना लो, जल्दी से आंसर बताओ। देवीलाल जवाब दीजिए, नहीं यार देवीलाल नहीं, अभी तो बताया था। अदिति गलत हो रहा है, 1858 के एक्ट में, किसमें, 1858 के एक्ट में। अभी बताया नहीं था कि जब 1857 की क्रांति आई थी तब अचानक से ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि भैया हमने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रखी है, उनका ऐसा लगा कि हमारा तो शासन ही गलत है, तो उन्होंने अचानक से सारी पावर जो है सेंट्रलाइज कर दी, सारी के सारी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया गया। तो यहाँ पे जवाब इसका ये था, याद आया, अभी पढ़ाया था मैंने आपको। जल्दी बताओ यार, ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलो अभी डायरेक्टली की बात करते हैं, डायरेक्टली क्या था, देखो इसमें दो सब्जेक्ट बनाए गए थे, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड में ऐसा था भैया आप इसमें ना वाइसरॉय काउंसिल की मर्जी के बिना इसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे, ट्रांसफर्ड में आप डिसीजन ले सकते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये दिया गया था कि भैया आप अपने लिए फैसले ले लो, लेकिन रिजर्व्ड में आपको पूछना पड़ता था। ये प्रोसेस जो थी डायरेक्टली कहलाती थी, पर इसको प्रोविंसेस में लाया गया था, अभी सेंट्रल में नहीं लाया गया था, सेंट्रल में बाद में लेके आया जाएगा वो एक्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोविंसेस में लाया गया था। इसमें क्वेश्चन आ गया, आप ये भी पढ़ने वाले हो कि किस एक्ट के अंदर डायरेक्टली को प्रोविंसेस में अबॉलिश किया गया था, अभी आप पढ़ोगे आगे तो इस बात को कनेक्ट करते हुए चलना जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बाई कैमरलिज्म आ गई थी, डायरेक्ट इलेक्शन वर ब्रॉड बाय द रिफॉर्म्स, 3 out of 6 मेंबर्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने और बढ़ा दिया, जो भाई उन्होंने काम किया था किसने, मोरले मिंटो ने, उसको इन्होंने और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। प्रोविनिशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया, रिफॉर्म भी लाए गए टैक्स प्रॉपर्टी एजुकेशन में, वैसे ये इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आया नहीं है यूपीएससी में ये सब, बट आप यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि बजट जो है वो सेंट्रल के और प्रोविनिशियल के अलग अलग कर दिए गए। प्रोविंसेस का मतलब समझते हो आप, जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे जहाँ पे राजा लोग आपके राज करते थे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी,
इसके बाद एक हाई कमिश्नर का ऑफिस हमारा इंडिया का जो है वो लंदन में ट्रांसफर कर दिया गया और उनको कुछ फंक्शन दिए गए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया किस एक्ट के अंदर हाई कमीशन जो ऑफिस था वो लंदन चला गया था, तो ध्यान रखना इस एक्ट का नाम क्या है, 1919। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है ये बताओ, इतने देर से पढ़ रहे हो, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? योगिता, अदिति, सृष्टि, शानू, देवीलाल, मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो यार प्रिपरेशन है ना, अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर दो। अभी कुछ देर पहले एक दोस्त मेरा ये लिख रहा था कि सर प्रिपरेशन जो है हम कब से शुरू करें, तो देखो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, एक बहुत अच्छी कहावत है कि मंजिलें मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आपका काम है घर से निकलना। आप घर से निकलने का मतलब ये नहीं कि कोरोना में जाके बाहर सबसे टाटा बाय बाय कर रहे हो, घर से निकलने का मतलब है यहाँ पे कि मेहनत करो, पढ़ाई करो और इसी वीडियो से शुरू कर दो। मतलब जब जागो तब सवेरा, अब आज आया है कि भैया करना है तो फिर आज से कर लो। ठीक है, एक चीज़ और है कि हम लोग ना बहुत आँख बंद करके बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे किसी टॉपर की वीडियो देख के फॉलो कर लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग है। बहुत सारे उस समय बहुत लोग फेक भी देते हैं, कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, उतना ज़रूरत नहीं होता है। और बेस्ट चीज़ है आज की डेट में ना कि आप लोग एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होगे और आप बहुत सारी मूवीज़ देखते होगे, पर आप मूवीज की स्टोरी नहीं भूलते हो, पर आप बुक्स जो पढ़ते हो वो भूल जाते हो। कहने का मतलब है कि हमारी जो फोटोग्राफी मेमोरी होती है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो चीज़ हम देख के समझ सकते हैं। तो यही चीज़ है, आप लोग वीडियोज़ का फ़ायदा उठाओ और अपने आप को बहुत कंसाइज करो। बहुत ज़्यादा कंटेंट है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा कंटेंट है अनएकेडमी पे। आप अपने एजुकेटर्स पकड़ो, आप अपने टीचर्स पकड़ो और उनकी क्लासेस को ढंग से देखो। हर सब्जेक्ट्स के एक दो तीन जो भी आपको अच्छा लगे, रोमन ले लिया आपने, मुनार ले लिया, जो आपको जम रहे हैं और इनको फॉलो करो, और जो दो चार टीचर्स और आपको अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, और जो पढ़ रहे हो फिर उसका रिवीजन भी करो। ठीक है, और तैयारी अभी से ही शुरू कर दो। समझ में आई बात? चलिए देवीलाल, मैंने कहा ना बच्चे कि हर किसी का अपना अलग हो सकता है, तो मतलब देखो किसी का कुछ अपना तरीका है, किसी का कुछ अपना तरीका है। तो ये है कि अपने आप को कंसाइज करो और कम भीड़ में ज़्यादा नहीं भटकना है, अपने टीचर्स फिक्स कर लो, भैया इससे ये पढ़ना है, इनसे ये पढ़ना है, इनसे पढ़ना है, और उसको फॉलो करो। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप करी गई और 1926 से इनका रिक्रूटमेंट भी शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है, ये साइमन कमीशन से कुछ रिलेटेड है। क्यों है साइमन कमीशन से रिलेटेड? देखो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा 1919 में कि भैया कोई भी एक्ट लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, कोई भी एक्ट लेके आएंगे और इस एक्ट के अंदर 10 साल के अंदर इसकी स्टडी करी जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा था, ब्रिटिशर्स जो है वो हर 10 10 ईयर्स के अंदर एक्ट लेके आते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा प्लान किया कि भैया हर 10 10 साल में जो भी हम एक्ट लेके आ रहे हैं हम इसकी स्टडी करेंगे कि भैया इंडियंस का इससे हमने नुकसान किया कि नहीं किया। मतलब देखो ब्रिटिशर्स का तो मेन नेम यही रहता था ना कि हमें तंग करना, तो काइंड ऑफ दिखाते वो ये थे, उनका जो लॉजिक था कि भैया हम कोई एक्ट लाए, हम उसकी स्टडी करेंगे कि इस एक्ट में क्या कमियां रह गई और इसमें क्या हम चेंज करके अगले एक्ट में इसको बेटर कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो 1990 में इन्होंने ये प्लान किया और जिसके चलते वो साइमन कमीशन आई थी बिफोर 1929 के एक्ट, और साइमन कमीशन के आने के बाद कितना बवाल हुआ था हम सबको पता है। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? वेरी गुड देवीलाल, इफ यू आर हैविंग 98% इन क्लास 10 सीबीएसई, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। जो बहुत सारे 12th में बच्चे होंगे या फिर जो अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे होंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बहुत अर्ली एज से इसमें आ चुके हो कि भैया आपको आईएएस बनना है। बहुत सारे लोग तो अपने काफ़ी एंड में जाके इस बात को डिसाइड करते हैं कि उन्हें यूपीएससी देना है, तो आप सबसे आगे हो, उस चीज़ का एडवांटेज लो और अभी से ही पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, चलो इतना हो गया, बढ़ते हैं आगे। और जो एक्ट हमारे रह गए अब हम उनको देखना शुरू करेंगे। ठीक है, जो एक्ट हमारे रह गए अब हम उनको देखना शुरू करेंगे, तो चलिए उनको शुरू किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपका, ठीक है, पिट्स एक्ट हो गया, चार्टर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, मुरली मिंटो रिफॉर्म हो चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, तो चलो बात की बात है।
ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन का जवाब दो आप। हम कौन सा एक्ट अभी हम देखो, अभी हमने साइमन कमीशन नहीं पढ़ा है और हमने पीछे के भी कुछ एक्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो हमें उनको भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलो उनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बात कब की है, 1857 की। 1857 में रिवोल्ट हुई। रिवोल्ट के बाद काफ़ी टेंशन्स हुई, काफ़ी परेशानियाँ हुई। ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या स्टार्ट कर दिया, सेंट्रलाइजेशन। 1858 के एक्ट में इन्होंने सेंट्रलाइजेशन लेके आए, सारी पावर जो है केंद्रित कर दी। बट आफ्टर सम टाइम उनको ये बात फील हो गई कि भैया इससे फ़ायदा नहीं है। और 1861 में जो ये एक्ट लाए, इस एक्ट का नाम क्या है, एक्ट ऑफ 1861। इसमें इन्होंने वापस से क्या शुरू कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या शुरू कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। ये यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, 1861 के एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहला इन्होंने क्या किया, मैंने क्या बोला था, लड्डू देते थे। क्या देते थे, लड्डू। जब इनको लगा कि भैया भारत पे भारतीयों को खुश करे बिना राज नहीं कर सकते, तो इन्होंने भारतीयों के सामने लड्डू फेंकने शुरू किए। तो एक्ट ऑफ 1861 कुछ नहीं था, उसी का एक उदाहरण था। इन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी, इसमें भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया। क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। वॉइसरॉय को नॉमिनेशन की पावर दे दी गई, इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल्स की तरह ऐड किया जाने लगा। लॉर्ड, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लॉर्ड कैनिंग, नाम सुना हुआ है, बिल्कुल अभी पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने ये पावर मिल गई कि वो नॉमिनेट कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों को। पहले 3 इंडियंस को जो नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन तीनों के नाम आप मुझे बताओ अगर पता है तो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। देवीलाल जवाब दो, वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। जो 3 भारतीय सबसे पहले ऐड किए गए थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन तीनों का नाम क्या था जिनको अपॉइंट किया गया था वॉइसरॉय साहब के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग साहब के द्वारा? जल्दी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देवीलाल जवाब दीजिए। शानू, आदिति, एनीवन। चलो आप बोल रहे हो कि सर नहीं पता है, तभी तो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे सुनने के लिए। सही बात है। देखो भाई, पहला नाम था क्या, राजा ऑफ बनारस। अब इन तीनों के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने नोट्स में इस चीज़ को जरूर नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला नाम क्या है, राजा ऑफ बनारस, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। और तीसरा नाम क्या है, सर दिनकर राव। ये 3 प्रथम लोग थे जिनको ऐड किया गया था इंडियन, जो फर्स्ट 3 इंडियन जिनको नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरा नाम था सर दिनकर राव। क्लियर है, बातें समझ में आ गई हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू थी। पहले क्या किया था, 1858 में इन्होंने सारी पावर जो है वो भैया केंद्रित कर दी थी किसको, कैनिंग साहब को, और बॉम्बे मद्रास से पावर छीन ली गई थी। तो लेजिस्लेटिव पावर वापस करी गई इस एक्ट के अंदर 1861 में, किसको, बॉम्बे को और मद्रास को, जो कि इनसे छीन ली गई थी, बट उसको वापस किया गया 1861 के एक्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो 1861 की एक्ट में तब्दीलियां लेके आई भारत के अंदर। सेंट्रलाइजेशन किया, उससे काम नहीं दिखा, तो ब्रिटिशर्स ने वापस से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। ठीक है, अब 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी ध्यान रखना। 3 आपकी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, तीनों का नाम बताओ, पता है किसी को, बताओ बताओ। बंगाल, दूसरा है आपका NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस, और तीसरा है आपका पंजाब। ठीक है, ये 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी,
ईयर्स भी याद रख लो, ये बना था 1862 में, ठीक है, ये बना था 1866 में, और ये आपका बना था 1897 में, ठीक है, क्लियर हुई बात। आपने क्या देखा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई जिसको हमने धीरे धीरे करके देखना शुरू किया है। सबसे पहला 1862 के 1861 के इस एक्ट में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया, जो कि सेंट्रलाइज करा था पहले 1858 के एक्ट में। भैया तीन बंदों को अपॉइंट किया गया था जिनका नाम था राजा ऑफ बनारस, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई कहाँ कहाँ पे, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंसेस में, पंजाब के अंदर। 1862 में बंगाल में बनी, 1866 में यहाँ बनी NWFP पे, और 1897 में पंजाब में बनी। पर ये सब का जो दिमाग स्टार्ट हुआ वो इसी एक्ट से हुआ था, उस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ 1861। क्लियर है, शानू ने सही जवाब दिया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, दिनकर जी, ठीक है, गुड, वेरी गुड। नयन आपने बिल्कुल सही बोला है, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट नयन, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, ठीक है, गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो भाई आप लोग, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, 1861 का एक्ट अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसमें कुछ और भी चीज़ें करी गई। क्या किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम आया, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, यार राइटिंग पैड पे ना राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक तो ऐसे भी राइटिंग थोड़ी सुभान अल्लाह है ही आपके सर की, बट यहाँ पे और ख़राब हो जाती है यार। पोर्टफोलियो नहीं यार, इसको तो अच्छे से लिखूंगा, वरना आप लोग बोलोगे कि सर क्या लिख रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है ना, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, किसका आया, पोर्टफोलियो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। वैसे इसको इम्प्लीमेंट तो 1859 में ही करने की बात हुई थी, बट ये प्रॉपरली अच्छे से इम्प्लीमेंट इसी एक्ट में आके हुआ था, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, लॉर्ड कैनिंग ने, जो वाइसराय साहब थे, इन्होंने क्या किया, अपनी रेप्लिका बना दी। क्या बना दी, रेप्लिका, क्या है ये, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भैया। इनके पास तो सारी पावर थी, ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने क्या कहा कि भैया मैं हर जगह तो पहुंच नहीं पाऊंगा, यहाँ भी कुछ काम है, 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 तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक बंदे को थोड़ी पावर दे दूँ, मैं यहाँ पे एक बंदे को अपनी थोड़ी पावर दे दूँ, यहाँ पे अपने एक बंदे को थोड़ी पावर दे दूँ, और यहाँ पे एक बंदे को पावर दे दूँ। मान लो कि शक्तिमान की पावर जो है भैया अलग अलग लोगों को बांट दी गई है, कि तुम भी थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो, और फाइनल से तो इन्हीं का होता, बट इनके बिहाफ पे ये लोग डिसीजन ले सकते थे। इसको क्या बोलते हैं, इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। 1859 में ये कॉन्सेप्ट आया था, बट ढंग से ये जो इम्प्लीमेंट है इसी एक्ट में हुआ था 1861 वाले में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आ गया सभी को, देवीलाल करेक्ट है, वेरी गुड, ऑर्डिनेंस वाली बात, ये समझ में आया पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। आप लोगों को पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आया नहीं आया भाई, ये बताओ जल्दी। बताओ पोर्टफोलियो बता दो यार, इतना क्या शर्मा रहे हो, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, लाइक करते चलना भाई, शेयर करते चलना कि आपके एक आध दोस्त लोग भी यहाँ पे जुड़ जाएं हम लोगों के साथ। इसके बाद एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, एमरजेंसी के दौरान आप लोग ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। आप लोग मतलब सॉरी, कौन, वॉइस रॉय, क्या इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस। देखो भाई, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग्स क्यों बोला जाता है, ऐसा है कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग जगहों से उठा उठा के मिक्स कर दिया है और इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने ब्रिटिशर्स से ही लिया है, ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट में ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट लाए थे। ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखो जब कोई चीज़ सेशन में नहीं होती है, या फिर ज़रूरत पड़ने पे जब प्रॉपर प्रोसेस से लॉ नहीं बन सकता है, तो ऑर्डिनेंस पास करके आप कोई लॉ बना सकते हो। इसकी लाइफ जो है ब्रिटिशर्स ने, या फिर 1861 के एक्ट में भी 6 मंथ की रखी गई थी, कि भैया प्रॉपर लॉ पास किए बिना 6 महीने तक कोई कानून ऑर्डिनेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मर्जी के बिना भी आप 6 महीने तक इसको रख सकते हो, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो है।
और ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया है वो आपका यहीं से आया है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है ठीक है, नाइस यार, आप लोगों को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। साइमन कमीशन की बात करेंगे अब। किसकी बात करेंगे? साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। किसने दिया था ये नारा? वैसे ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, नारे वारे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, अभी देखो साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि भैया ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हर 10 साल में एक्ट लाओ, और 1919 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि स्टडी करो एक्ट की, टीम बनाओ, कमिटी बनाओ और उनको भेजो स्टडी करने के लिए, कि तुम जाओ देखो कि हो क्या रहा है और उसमें कुछ चेंजेस करके नेक्स्ट एक्ट में उसकी तब्दीली कर सकते हैं। एक एक्ट आया था आपका कब? 1909 में, फिर आया था 1919 में, और फिर आना था 1929 में। इसी से पहले 1927 में भारत में भेजे गए कौन? साइमन कमीशन। भारत को ये लोग अच्छे नहीं लगे, भारतीयों ने कहा कि भैया इसमें तो एक भी इंडियन है ही नहीं, तो हम इनकी बातों को क्यों सुने, ये कौन है, ये हमारा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर सुनो, फिर हुआ ये कि साइमन कमीशन से किसी लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया कि भैया भारतीय जो हैं वो इस लायक ही नहीं है कि उनको हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करें, और यहाँ से हुआ भारतीयों का ईगो हर्ट और अच्छे से आंदोलन शुरू हुआ किसके अगेंस्ट में? साइमन कमीशन के। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, बात समझ में आई? तो दिस इज़ व्हाट साइमन कमीशन का कॉन्सेप्ट। 1927 में इन्होंने भारत में कदम रखा था, और कदम रखने के बाद इनका काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर विरोध हुआ था। ठीक है, अभी देखते हैं आगे साइमन कमीशन की मेन, जो इन्होंने भारत में कुछ चेंजेस किए थे, मतलब रिकमेंडेशंस दी थी साइमन कमीशन के द्वारा कि भाई क्या क्या करा जाए और कैसे कैसे किया जाए, तो उनके जो कुछ मामले थे वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने डायरेकी ख़त्म करने को कहा। क्या करने को ख़त्म करने को कहा? अबॉलिशन ऑफ डायरेकी। ये कहाँ पे थी? ये प्रोविंसेस में है, अभी अभी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टली प्रोविंसेज में चल रही है, साइमन कमीशन ने कहा कि जो डायरेक्टली आपके प्रोविंसेज में चल रही है इसको ख़त्म करो। क्या करो? इसे ख़त्म करो, इसको निल कर दो, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है और इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा प्रोविंसेज के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ, प्लस कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने होगा, कम्युनल इलेक्टोरेट को कहा कि भाई इसको कंटिन्यू करो, ये बहुत फायदेमंद है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये भारतीयों को काफ़ी सता रहा है, तो दिस इज़ गुड, इसको कंटिन्यू करो, इसमें भेदभाव पड़ रहा है भारत के लोगों में, और फूट डालो राज करो की नीति इनकी पुरानी थी, उसी को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे इन्होंने करी। अब एक देखो साइमन कमीशन के बारे में जब भी पढ़ते हैं ना, एक चीज़ जो हमारे दोस्त लोग भूल जाते हैं पढ़ना या फिर मिस कर देते हैं, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ये साइमन कमीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं इस चीज़ को मिस कर जाते हैं साइमन कमीशन के अंदर। वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या था? देखो वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या था, ये ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी थी इस वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के कॉन्सेप्ट से, कि भाई हम आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, जो भी नियम बनेगा वो इंडियंस के लिए भी सेम होगा, और वही का वही नियम सेम टू सेम एज इट इज़ जो है ब्रिटिशर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। भारत में भेदभाव नहीं होगा, हम किसी भी तरीके से आपको अलग नहीं रखेंगे, हम इक्वलिटी लेके आएंगे, ये बोला गया था वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में। एंड 1935 के एक्ट में इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, लेकिन ये सब दिखाने का था, मतलब ठीक है थोड़ा थोड़ा। आप देखो अब ऐसा नहीं था कि जो 1857 की सिचुएशन थी वो 19 आपके जो साइमन कमीशन आया था तब की सिचुएशन बराबर थी, नहीं, तब और ज़्यादा सप्रेस करते थे, थोड़ा सा इधर कम किया, थोड़ा थोड़ा राइट्स आपको मिले, लेकिन ये भी हमें एक लड्डू हमारे सामने रखा गया था कि भैया मरता क्या ना करता। ब्रिटिशर्स को एक समय आया था उसमें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमें भारत से जाना है, तो उन्होंने अपने इन सब माध्यम से, इन सब तरीके से भारत में अपने समय को थोड़े से बढ़ाने की कोशिश करी, और इसी के चलते हुए वो क्या लेके आए? व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। ठीक है, अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये किस एक्ट में आया था कि भैया आप हर 10 साल में जो भी एक्ट ला रहे हो उसकी स्टडी करो और उसमें कुछ चेंजेस करके इम्प्लीमेंटेशंस करो, नहीं, ये किस एक्ट में ये कॉन्सेप्ट आया था? ठीक है,
मैं 2 मिनट में आता हूँ, तब तक आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो। ओके, तो देवी लाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1919। वेरी गुड यार, वेल डन। दिव्या हाय, हेलो। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, नयना कुदगुंती, यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सीलेंट। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेरी गुड देवी लाल, या इट्स करेक्ट। देखो ना, अभी मैं पढ़ते हैं हम आगे, एक थोड़ा सा स्टोरी है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू करी होगी ना, या फिर आप अभी आगे भी इस चीज़ को फेस करोगे, एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सताती है हम सबको कि भैया लोग क्या कहेंगे। देखो, आपको लगता होगा कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, और आप आज भी पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए मेहनत कर रहे हो। एक कहानी है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक एलिफेंट था, क्या था, एलिफेंट का बहुत ही छोटा बच्चा था, किड था, और एक आदमी उसको अपने घर पे लेके आता है जब वो एलिफेंट का बच्चा बहुत छोटा होता है, और वो उसको लाने के बाद अपने घर में चेन से बांध के रख देता है, चेन से बांध देता है उसे, और वो जो एलिफेंट का बच्चा रहता है वो चेन से बंधा रहता है जब बहुत छोटा होता है तब। उस समय वो एलिफेंट का जो छोटा बच्चा होता है बहुत बार कोशिश करता है उस चेन को तोड़ने की, लेकिन जब एलिफेंट छोटा होता है तो उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि भैया वो लोहे की जंजीर जो है वो तोड़ सके, वो उसको ब्रेक कर सके। हुआ फिर क्या, धीरे धीरे समय बीता, वो एलिफेंट जो है वो बच्चे से बड़ा हो गया, है ना, एलिफेंट जो है वो एलिफेंट से हाथी हो गया, है ना भाई। अभी भी वो जंजीर से बंधा रहता था, जबकि अब उसके पास इतनी पावर है कि वो एक मतलब सांस में पूरा घर तोड़ सकता है, भाई जंजीर क्या है लोहे की। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी उस घर के बगल से निकल रहा था, उसने देखा यार ये क्या है मामला भैया, ये एलिफेंट इस जंजीर से क्यों बंधा रहता है और हमेशा बंधा रहता है। तो वो उस एलिफेंट के ओनर के पास जाता है, मालिक के पास जाता है, और उससे कहता है कि भैया ये क्या है, ऐसा कैसे, क्या चल रहा है, ये मतलब ये एलिफेंट आपकी जंजीर से कैसे बंधा हुआ है, ये यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। उस ओनर ने जवाब दिया, अब इस बात को ध्यान से सुनना आप सभी लोग, उस ओनर ने जवाब दिया कि ये एलिफेंट ना अपने मन में इस बात को मान चुका है कि वो ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ये छोटा था तब इसने लगातार 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करी थी, बट उस टाइम उसके पास पावर नहीं थी, बट अब उसके पास पावर है, लेकिन अपने दिमाग में वो हार चुका है। उसने इस दिमाग में इस बात को मान लिया कि जंजीर मेरे से कभी नहीं टूटेगी। सबसे बड़ी बात है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। आप नई नई प्रिपरेशन शुरू करोगे, बहुत बार लगेगा कि भैया इसको इतना आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो भाई उन्होंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ाई करी है ना, आप भी करोगे, आप भी सीखोगे। मन से मत हारो, और लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें आपको रोक नहीं सकती है। लवासना के बारे में सोचो, और बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग मत करना अभी से ही कि भैया आईएएस बनेंगे, ये करेंगे, करेंगे, ठीक है, दिन में 5-10 मिनट थोड़ा सोच लो, लेकिन आपका अभी पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। अपना टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल फॉलो करो, टाइम वेस्ट करना कम करो, बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं देने की ज़रूरत है आपको। पढ़ाई फोकस आपका यूपीएससी के ऊपर रखना है। मैंने अभी आपको 4 लाइन बोली थी, मैं फिर से बोलूँगा, ध्यान से सुनना इसका मतलब। ये लाइन ना मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, ये मेरे किसी टीचर ने मुझे बोली थी, मंजिलें मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेहनत करना आपका काम है, वो काम शुरू कर दो, बाकी देना ऊपर वाले का काम है, वी विल सी कि क्या होता है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे, अब पढ़ते हैं, बहुत हो गया। आप बोलोगे सर कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखो किसके बारे में पढ़ा था, हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा। साइमन कमीशन ने क्या क्या किया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, भाई भारतीयों को भी इंक्लूड करो, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये भी बोला कि भाई
जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको आगे बढ़ा दो। साइमन कमीशन का देखो, अभी साइमन कमीशन में भी दो चीज़ें होती हैं, अब इसको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे ज़्यादा। आप ये बात ध्यान रखना, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं वही चीज़ टच कर रहा हूँ जो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, वरना तो साइमन कमीशन में तो बहुत कुछ पढ़ने लायक है हिस्ट्री के अंदर, पर हर सब्जेक्ट का अपना अपना है और वो आपको पढ़ना है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं साइमन कमीशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वो थी वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या था? वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ये कहता था कि भाई इक्वल रहेंगे इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हम दोनों को इक्वलिटी से रखेंगे। ये बात यहाँ पे इसके अंदर कही गई थी और जिसके चलते हुए भारतीयों को लगा कि भैया कुछ अब अच्छा हो सकता है, तो ये भी हमारे लिए एक लड्डू फेंका गया था, जिसको इम्प्लीमेंट वैसे थोड़ा बहुत किया था इन्होंने 1935 के एक्ट में, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं हमारा आगे का एक्ट। कम्युनल अवार्ड का नाम सुना है आपने? कम्युनल अवार्ड जो है आपका वो अगस्त, इसको अगस्त ऑफर भी बोलते हैं, अगस्त 1932 के समय अगस्त ऑफर में ही इस चीज को आगे बढ़ाया गया था। तो अगस्त ऑफर या अगस्त 1932 में जो ये एक चीज आई थी, इसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कुछ चीजें आई थी, इसमें भी कुछ बातें बोली गई थी। ब्रिटिश पीएम इस टाइम पे थे कौन? रामसे मैकडोनल्ड। कौन थे? रामसे मैकडोनल्ड ब्रिटिश पीएम थे। इन्होंने एक स्कीम निकाली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज सेपरेट इलेक्टोरेट। जो चीज 1909 में थी ना, वही चीज को इन्होंने और आगे बढ़ा दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दे दिया। मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इवन एससी तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसे कम्युनल अवार्ड बोल देते हैं। अगस्त ऑफर 1932 में ये चीज आई थी। क्या किया इन्होंने? इन्होंने भारत में जितना ज्यादा तरीके से चीजों को डिवाइड कर सकते थे वो किया, और एक लेवल से ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि एससी तक बात चली गई थी कि भैया एससी तक में शेड्यूल कास्ट को आप रिजर्वेशन देते वो ठीक था, बट शेड्यूल कास्ट के मन में भी आपने ये कम्युनल इलेक्टोरेट वाली भावनाएं क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय बिल्कुल उनके साथ सप्रेशन किया जाता था बाय अपर कास्ट, तो उसी का एडवांटेज लेके यहां पे ये चीजें कर दी गई थी, ठीक है? क्लियर हुई बात? क्लियर है? नहीं है? समझ में आ गया? चलिए, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो अगस्त ऑफर मैंने बोला है ना आपको, वो 1940 वाला होता है, ये मैंने याद करने के लिए बोला है, इसको एग्जैक्टली अगस्त ऑफर याद कर मत लेना, ठीक है? ये बस आपको समझाने के लिए है, अगस्त 1932 जो है इसको ऐसे याद कर लो अगस्त ऑफर करके, बट अगस्त ऑफर जो है वो 1940 वाला एक्चुअली जो होता है, ये इसको कम्युनल अवार्ड अगस्त कनेक्ट करने के लिए बस मैंने बताया, तो उसमें फंस मत जाना, या आप ही लोगों के भले के लिए मैंने बताया था, ठीक है? गांधी जी ने इसका भैया बहुत विरोध किया, गांधी जी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, गांधी जी ने इसके चक्कर में अनशन पे चले गए थे। फिर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा पूना पैक्ट में गांधी जी को मनाया गया था, ठीक है? फास्ट टिल दैट गांधी जी ने कहा था, ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं यहाँ पे, पर ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना ये जो बात के एक्ट है ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही है, ज़्यादा पॉलिटी में कोई खास इसका ये नहीं है। तो गांधी जी ने यरवदा जेल में फास्ट टिल देयर तक का कॉन्सेप्ट दे दिया कि भैया अगर आपने इसको वापस नहीं लिया तो मैं ये करूँगा। तो भीमराव अम्बेडकर साहब गए थे मिलने, और गांधी जी के साथ एक पैक्ट हुआ था जिसका नाम हो गया था पूना पैक्ट। क्या हो गया था? पूना पैक्ट, ठीक है? ध्यान रखना, पूछा जाता है प्रीलिम्स में, पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है कि पूना पैक्ट क्या है, आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। पूना पैक्ट के अंदर डिप्रेस क्लास को रिजर्वेशन की बात करी गई थी, बट ये इलेक्ट्रोड वाली बात से हट गए थे अम्बेडकर साहब भी, उन्होंने भी कहा था कि भैया इलेक्ट्रोड का कोई मतलब नहीं है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट पूना पैक्ट, इट वाज हैपेंड बिटवीन अम्बेडकर साहब एंड गांधी जी इन यरवदा जेल। कब की बात है ये कम्युनल अवार्ड जब आया था उस समय की बात है, ठीक है? क्लियर है? चलो आप लोगों को देखो, अगर कोई और दिक्कत हो तो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज माई, आप लोग मेरे से इस पर टच हो सकते हैं कोई भी दिक्कत हो, ठीक है? प्लस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यार, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना वो है LETSSTUD111।
आप टेलीग्राम पे ऐसे डायरेक्टली सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वरना आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी बाय मानवेंद्र सर, तो आपको उस नाम से भी मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना यार, काम की चीज़ें हैं। पीडीएफ पीडीएफ डाल देता हूँ और थोड़ा बहुत करंट अफेयर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है डिवाइस में वो भी इसमें इंक्लूड करता हूँ। 9 बजे सुबह, 9 AM इन द मॉर्निंग, प्रिलिम्स बूस्टर आता है हमारा, आप वो भी देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। एंड इस संडे बहुत अच्छा सेशन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए हमारे मेन चैनल के ऊपर यूपीएससी वाले, वो होगा पॉलिटी के करंट अफेयर्स, टॉप ऐसे करंट अफेयर्स जो प्रिलिम्स 2020 में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट होंगे वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलना। हाय नूबी, ओ नूबी, हाउ आर यू, हाउज योर पढ़ाई, कैसा चल रहा है सब? ठीक है, चलो इतना चीज़ें क्लियर हुआ। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, तो भाई शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो यार, जब सब कुछ अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक करना तो बनता है ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो हमारे लिए। इसके बाद देखो कमनल अवार्ड हो गया, ये हो गया, अब अगला एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज़ अ बिग एक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमें पढ़नी है, और ये इसलिए भी पढ़नी है कि इसी की काफ़ी सारी चीज़ें जो है बाद में इंक्लूड हो गई थी भारत में और वही आगे तक चल रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की यहाँ बात हो रही है, देखो 1935 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होने का है। सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 लिस्ट बना दी, एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविनिशियल लिस्ट और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे आज भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट मतलब कि इन सब्जेक्ट्स में दोनों लोग डील करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट सब्जेक्ट मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी, यूनियन सब्जेक्ट मतलब सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट डील करेगी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे आई थी है, और इन्होंने यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया, फेडरल, प्रोविंसेस और सेंट्रल। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं है भाई, ये बताओ। अब इसको लिख लेते हैं, फेडरल में जो थे आपके 59 सब्जेक्ट डाले थे इन्होंने, आपके 54 इसमें इंक्लूड किए थे प्रोविंसेस में, और कॉन्करेंट में 36 चीज़ें डाली थी। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया था, बट मेन पावर अभी भी वाइसरॉय के पास थी, वाइसरॉय साहब की ही मर्जी इन दी एंड चलती अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती। ठीक है, तो ये वीटो पावर टाइप की थी इनके पास कि भैया आप लोग कुछ भी करो, इन दी एंड से तो किसका चलेगा, मेरा। रेजिड्यूरी पावर जो है वो ये थी, लेकिन ये इतना फ़ायदेमंद नहीं हो पाया था क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना वो इसमें इंक्लूड ही नहीं हुए, तो उन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया था। बस ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, बस इसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी मैंने बताया नहीं है आपको, इसके अंदर इन्होंने 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल इंक्लूड किए थे। क्या किया था, 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ध्यान से सुनना, 321 सेक्शंस प्लस 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें करी थी, इन्होंने 3 भाग में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था, क्या क्या, फेडरल, प्रोविंसेस एंड सेंट्रल, कॉन्करेंट। ठीक है, सी मतलब कॉन्करेंट। अब 59 गए थे उसमें फेडरल में, प्रोविंस में गए थे 54 और आपके कॉन्करेंट में गए थे 36। से किसकी थी, से आपकी वॉइसराय की थी। इसको ऑल इंडियन फेडरेशन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था इन तीनों के कॉन्सेप्ट को, ऑल इंडियन फेडरेशन। तो देवीलाल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, इतना आप हमारे लिए करो, है ना। अदिति, नोबी और जितने भी बच्चे हैं हमारे, जितने भी दोस्त हैं मेरे साथ यहाँ पे, तो आप लोग बताएं भाई कि क्या है, कैसा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में कुछ और तब्दीलियाँ हुई थी, तो अभी हमें उनको भी देखना है कि भैया और क्या तब्दीलियाँ हुई थी, इतनी तो हमने देख ली, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हुई थी। तो देखो डायरेक्टली को अबॉलिश किया गया। अब मुझे पहले ये बताओ, उससे पहले जल्दी से जल्दी बता दो, डायरेक्ट की शुरू कौन से एक्ट से हुआ था, जल्दी बताओ। प्रोविंसेस की बात हो रही है, डायरेक्ट की जो प्रोविंसेस में थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन डायरेक्ट की शुरू किस एक्ट से हुई थी, जल्दी बताओ, समय नहीं है हम लोगों के पास ज्यादा। दिव्या देवी जल्दी बताइए जवाब इसका, वेटिंग फॉर योर आंसर यार, जल्दी।
वी डोंट हैव दिस मच टाइम। ये जो डायरेकी का कॉन्सेप्ट है ये कौन से एक्ट से आया था जिसको अबॉलिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। डायरेकी इन प्रोविंसेस वॉज अबॉलिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट इन विच एक्ट डायरेकी हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिस्टम। तो राकेश धागड़ का जवाब आया है 1919, नयान का जवाब आया है 1919। नयान इट्स नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स मॉन्टेग्यू जेम्स पोन। नयाना, सॉरी नयाना, नयान इट्स नॉट नयाना, इट्स नॉट नयान, इट्स नयाना, डोंट टेक इट पर्सनली, है ना, नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अदिति का भी जवाब सही है, देवीलाल का भी सही है, वेरी गुड। दिव्या जी बिल्कुल वेरी गुड, के पी वाई गेमिंग करेक्ट है, देवीलाल सेवड़ा बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, तो सभी का जवाब यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं इसके ऊपर वापस से कि क्या क्या मामला था। तो अब देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरेक्टी को अबॉलिश किया गया प्रोविंसेस के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोविंसेस के अंदर, और गवर्नर को कहा गया कि भैया आप जो है, ठीक है ठीक है, फेडरेट ऑफ डायरेक्टी एट द सेंटर, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी, अडॉप्टेशन ऑफ डायरेक्टी एट द सेंटर, ठीक है। प्रोविंसेस से इन्होंने हटाया लेकिन सेंटर से इन्होंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेंटर में ये लेके आ गए, बट इन्होंने उसको प्रोविंसेस से हटा दिया था। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म आई, बाइकैमरलिज्म 6 out of 11 प्रोविंसेस, बाइकैमरलिज्म शुरू किया गया कितनों में, 6 प्रोविंसेस में, टोटल कितने थे, 11 में से। कौन कौन से थे वो 6, बंगाल लिख लेते हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। आप ऐसे देख सकते हो, बी क्यूब, मद्रास, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये आपकी वो 6 जगह थी जहां पे इंक्लूड किया गया था क्या, बाइकैमरलिज्म को। बाइकैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों कहा था कि 1935 के एक्ट को आज भी हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो छपरा जिला अंकित कह रहे मेरा नाम लीजिए, तो ले लिया आपका नाम। अब मेरी बात सुनो जल्दी से यार, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहीं से आया है इंडिया में। और मेरा अब आपसे सीधा एक क्वेश्चन है, आज की डेट में इंडिया के कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मेरे को जवाब चाहिए। आज की डेट में इंडिया के कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। आज की डेट में इंडिया के कितने स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जल्दी बताओ, सोचो थोड़ा सा, जल्दी बताओ। और लास्ट स्टेट कौन सा है जहां से अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश हुई है। बात आ गया, तो थोड़ा सा करेंट से रिलेट कर रहा हूं मैं और आपसे जानना चाह रहा हूं मैं इसीलिए, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि हमें पॉलिटी में, स्टैटिक पॉलिटी वाले पार्ट में उसका कोई काम है। KPY 28 गलत है, देवीलाल जवाब दो, वेरी गुड देवीलाल 6। दिव्या आप भी दीजिए, क्या आपको क्या लगता है, और भी जो है हमारे दोस्त हमारे साथ, आप लोग भी कोशिश करिए देने का। गलत सही की टेंशन मत लिया करो, अदिति, नयना, आप सब लोग जवाब दो। देखो गलत सही की टेंशन नहीं, आप सब सीखने के लिए आए हो तो कोई शर्माना नहीं है, जो लगे बता दो, ठीक है। तो 6 स्टेट्स करेक्ट है। लास्ट स्टेट जहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश हुई है वो जम्मू कश्मीर है, अभी भाई यूनियन टेरेटरी जब बन गए थे। दूसरी चीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने की अभी एक स्टेट में मांग बढ़ रही है, वो है आंध्र प्रदेश। ये मैं संडे में आपको पढ़ाऊंगा 3 कैपिटल मॉडल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उसमें ये भी बताऊंगा, तो संडे वाले सेशन को जरूर देखना। और कौन सा सेशन होगा, कहाँ होगा, उसके लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जहाँ पे मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। अब भाई लिंक तो किस टेलीग्राम चैनल पर शेयर होगी, तो उसकी स्पेलिंग है LETSSTUDDYY, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है आपका तो, मानवेंद28 जो है वो यूज़र आईडी है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, लेट्स क्रैक UPSC CSE बाय मानवेंद्र PS, ठीक है, JNK, ठीक है, सही है राकेश,
अदिति सभी का सही है, वेरी गुड। दिव्या दीक्षित, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने की मांग हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। देवीलाल, अदर, अदिति, आप लोग बताइए। अभी ये न्यूज़ में था करंट में, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूँ, आप लोगों को पता होगा। न्यूज़ में क्यों था, आंध्र प्रदेश का मामला था, करंट से रिलेटेड है। हम इसको पढ़ेंगे वैसे, करंट अफेयर संडे में पढ़ाऊंगा मैं, बट आप लोग चलो आज आपका काम है ये घर पे जाके रिसर्च करना कि किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई देयर कैन बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये आपने देखना है, पढ़ना है, और ठीक है। एक होती है क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी होती है क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, इतना परेशान मत हो। इट्स आर्टिकल 169, क्या है आर्टिकल 169, ठीक है। क्या है आर्टिकल 169, ध्यान रखना, ठीक है। देवीलाल ने कुछ जवाब दिया था वैसे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, फिर अब समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 169 में, द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट हैव बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, द लोअर हाउस बीइंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट स्टेबलाइज इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भाई देखो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, वो अपर बॉडी होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो लोअर बॉडी होती है, और इंडिया की जो अपर बॉडी है वो कौन सी है आपकी, वो आपकी राज्यसभा, और लोकसभा जो है आपकी लोअर बॉडी है। लेकिन स्टेट में जो अपर बॉडी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके पास इतनी पावर नहीं होती है जो आपके लोकसभा में होती है, तो देर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, जो राज्यसभा के पास जो पावर होती है उतनी ही पावर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं होती है, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल कहने के लिए एक अपर बॉडी बनाई हुई है स्टेट के अंदर। अब बाकी इसके बारे में बाद में जाएंगे, अभी वापस आ जाते हैं हमारे जो हम पढ़ रहे थे इसी के ऊपर, है ना। इतना पढ़ेंगे अगर लिया करेंट वाला भी, तो फिर ये नहीं कंप्लीट हो पाएगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया, शेड्यूल कास्ट वुमेन एंड लेबर यहाँ पे और बढ़ा दिया गया भैया। शेड्यूल कास्ट तो था ही महिलाओं के नाम पे, लेबर क्लास के नाम पे। इस बीच में आपने एक नई प्रथा भी देखी थी कि लोगों ने एससी, जो एससी कम्युनिटी के लोग थे, बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, वो इसी सब कारण से कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी जहर जो है वो बीचों में लोगों के बीच में घोल दिया गया था बाय ब्रिटिश इंडिया। फिर इसमें देखिए, हमने फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, भारत में पहली फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, ध्यान रखना कब हुई, 1937 में, ठीक है। आरबीआई बना, सब इसी एक्ट के थ्रू ये सब कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फेडरल कोर्ट में भाई तीन चीजें आई थी आपकी, एक था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और तीसरा था प्रोविनिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीन चीज़ें थी फेडरल कोर्ट के कॉन्सेप्ट में, 1937 में आया। आरबीआई को बनाने की बात करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। वोट्स का अधिकार मिला लोगों को, लेकिन सिर्फ 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को दिया इन्होंने, ऐसा नहीं कि सबको दे दिया, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी उसका 10% को दिया था, ठीक है। लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, ठीक है भाई। अभी क्या बोला मैंने, इलेक्शन तो हो ही रहे थे, वोट देने का भी अधिकार मिला, लेकिन 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को, बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन ये था कि कहने के लिए भाई इन्होंने हम लोगों को वोट देने का अधिकार भी दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेबलाइज बाई, ठीक है। एक देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 1858 में ना एक चीज़ बनाई गई थी, क्या
काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया COI, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे एक एक्ट में, आपको याद होगा, तो उनको एडवाइजर्स प्रोवाइड किए गए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़, इसको छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। 1858 का जो आपका काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था इस एक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ लिया है, और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। KPY गेमिंग, सर प्लीज शिफ्ट क्लास टाइम, KPY गेमिंग वी विल ट्राई डेफिनेटली ब्रदर, बट लेट सी कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। देवीलाल ने बताया है उसका एक कॉन्सेप्ट, जो वोटिंग की बात हो रही थी, ठीक है, चलो क्लियर है इतना। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, वो है क्या, खुशी का समय, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्ट है जो हमें पढ़ना है। क्या है इस एक्ट का नाम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बात है फरवरी 20 की 1947 में, क्लीमेंट एटली जो पीएम थे ब्रिटिश के, क्या नाम था इनका, क्लीमेंट एटली, इन्होंने कहा कि भारत को हम आजादी दे देंगे कब तक, जून 30, 1948 तक। ये एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है, फेब्रुअरी 20, 1947 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने लिखा कि भैया, क्लीमेंट एटली साहब ने लिखा कि भैया जून 30, 1948 तक हम भारतीयों को आजादी दे देंगे। एक क्वेश्चन और स्टेट पीएससीज में आ जाता है, यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा ऐसा, पर ठीक है कि भाई जो क्लीमेंट एटली साहब हैं, या फिर क्वेश्चन क्या आता है कि भैया जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था। अगर केबीसी देखते होगे तो एक बार ये क्वेश्चन 50 लाख 1 करोड़ में अमिताभ जी ने भी पूछा था, ठीक है। अब ये नहीं कि आप केबीसी देखने लग जाओ, वो आपके लिए काम का नहीं, टाइम वेस्टेज है, और अभी तो आ भी नहीं रहा, कोरोना समय चल रहा है, पर ठीक है। तो बात आपको इतनी समझ में आई। इसके बाद क्या हुआ, एक चीज यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी हमारी, जो लॉ ड्राफ्ट कर रही थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, और ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक बात कही गई थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ना, यहाँ पे ही खेल गया था ब्रिटेन, और भारत में जो उन्होंने डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू कर दिया था। इन्होंने कहा था कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोग चाहेंगे उन्हीं के ऊपर इंक्लूडेड होगा, जो लोग नहीं चाहेंगे वो इससे दूर भी जा सकते हैं, वो इसको नहीं भी मान सकते हैं। इसी के चलते हुए पाकिस्तान की डिमांड होने लगी, प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दे दिया गया, भैया तुम्हें आना है तो आ जाओ, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। जिसके में आपको ये बात पता होगी कि आज़ादी के बाद हमने हैदराबाद को हमारे साथ जोड़ा है, जम्मू कश्मीर को हमने डील में अपने साथ लिया था, तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी यहीं से क्रिएट हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बड़ा दिमाग लगा के हमें आज़ादी दी थी, क्योंकि एवरीवन नोज कि इंडिया जो थी भैया इतनी बड़ी कंट्री है, अगर एक साथ रह जाती तो पूरे वर्ल्ड में हमारा मतलब अलग ही नाम होता, तो ये इन्होंने नहीं चाहते थे, और जिसके चलते हुए यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो जून 3, 1947 में स्टेटमेंट आई थी ब्रिटिशर्स की कि भैया जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर है, जो लोग नहीं चाहते हैं वो नहीं माने। फिर पाकिस्तान की डिमांड होने लगी, तो माउंटबेटन साहब एक प्लान लेके आए, जिसको किस नाम से जाना जाता है, माउंटबेटन प्लान, जिन्होंने डिवाइड करने का एक तरीका बताया इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बातें, नहीं हुई, अब देखो मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें, आप समझने की कोशिश करना आप लोग सीधे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग नोट्स अगर बनाओगे तो बाद में देख के बना लेना, स्लो 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 सुन के अपना नोट्स बना लेना, अब मेरी बात बस ध्यान से सुनना, ठीक है। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय, हटा दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसी के अंदर ये बात हुई। ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म कर दिया गया। अब एक एक चीज़ें समझते हैं इसमें और क्या क्या हुआ, पहले मैं बोलूंगा स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आप लोग उसको आपका एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इट इम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। भैया दो डोमिनियन बन गए थे, इंडिया और पाकिस्तान,
ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया आप लोगों के पास आजादी है, आप लोग अपना नियम अलग अलग बना सकते हो, आप चाहो तो हमारा जो हमने इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया है इसको इंक्लूड करो, चाहो तो ना करो, आप इसको रिपील कर सकते हो, आपको जो करना है आप ये करो। तो ये चीज यहां पे सामने आई, ठीक है। इसके बाद इट इम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 15, 1947 वॉज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियन अनलेस इट वॉज एक्सटेंडेड देयर टू बाय द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट डोमिनियन। क्या कहा गया कि भैया ब्रिटिशर्स ने अगर 15 अगस्त के बाद कोई कानून बनाया है अपने देश में या फिर इंडिया के लिए कुछ भी, तो वो भारत में इंक्लूड नहीं होगा, वो पाकिस्तान में इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको भारत और पाकिस्तान में उस चीज़ को इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में उस पर्टिकुलर चीज़ को इंक्लूड करके पास करके, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, क्लियर है बात, समझ में आई, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है भैया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था वो अबॉलिश कर दिया गया और कॉमनवेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया गया। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड द ट्रिटी रिलेशंस विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 1547। भैया प्रिंसली स्टेट के साथ ट्राइबल एरियाज के ऊपर भी कंट्रोल इनका खत्म हो गया और वो तो उनके ऊपर छोड़ दिया था, भैया तुम्हें इंक्लूड होना है कि नहीं होना है, ठीक है। ग्रांटेड फ्रीडम दे दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, कहा था आजादी है भैया तुम्हें, जिसके पास जाना है तुम्हें पाकिस्तान के पास जाना है, तुम्हें इंडिया के पास जाना है, तुम्हें अलग रहना है। एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल जो है वो ब्रिटिश क्राउन से छिन गया था। पहले आपने ब्रिटिश क्राउन के पास ये भी होता था एम्परर ऑफ इंडिया, बट ये जो टाइटल जो है ये भी यहाँ पे छिन गया था फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही हैं, ठीक है, चलो नाइस। हाँ देवीलाल आप सही लिख रहे हो। इसके बाद है इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ एनी पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भाई क्या था, मैं आपको सीधे समझाता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, 15 अगस्त बोलूंगा नहीं, 15 अगस्त 1947 के बाद भैया सिविल सर्विसेज की जो प्रोसेस थी जो ब्रिटिशर्स ने कर रखी थी उनके अपॉइंटमेंट की, उसे खत्म कर दिया गया। फिर से शुरू करेगी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या आपका गवर्नमेंट, तो आप कर सकते हो, लेकिन जो पुराना प्रोसेस है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। बट जो पहले सिविल सर्विसेज बन चुके हैं जिन्होंने उसके थ्रू पोजिशन ले ली है, तो उनकी पोजिशन एज इट इज रहेगी, उस पर कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। गवर्नमेंट्स, यहाँ पे फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ ईच एंड ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भाई हुआ क्या, इन्होंने ये बोला कि भैया आप जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पा रहे हो, अभी समय लगेगा, आप ड्राफ्ट करोगे बनाओगे तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का यूज़ करो, हमने बनाया ही था, आप उसको यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो और अपना देश चलाओ उससे थोड़ी दिनों के लिए। तो ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ऐसी खास चीज तो इसमें थी नहीं। इसके बाद क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को प्रोविनिशियल गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट की तरह यहाँ पे बना दिया गया। इट डेजिनेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविनिशियल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स। जैसे भैया जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको इंडिया का नॉमिनल हेड बना दिया, और जो प्रिंसली स्टेट्स में आपके प्रोविनिशियल जगहों पे जो गवर्नर्स होते थे उनको कुछ समय के लिए हेड बना दिया। भैया जब तक देखो ऐसे तो नहीं हो सकता था ना कि एक ही दिन से सब कुछ खत्म कर देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत में, तो फिर तो भूकंप, मतलब आप समझ रहे हो, भूकंप इन द सेंस कि बिल्कुल हलचल ही अलग हो जाती, लोग चोरी चपाटी ये सब बढ़ जाता। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था, तो इसलिए बहुत अच्छे प्रोसेस से धीरे धीरे शिफ्ट करने की कोशिश करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। लॉर्ड माउंट बेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। भाई हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन, बाद में तो इस पोस्ट को ही हटा दिया गया था। क्वेश्चन है मेरा, तुरंत जवाब दो, कौन है वो पहले भारतीय जो इस पोस्ट पे आए थे, ठीक है। और पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, जिनका आजकल नाम बहुत याद आ रहा है क्योंकि चाइना इनका दोस्त समझते थे और चाइना ने अभी भारत के साथ फिर से गद्दारी करी है। एंड 1962 में भी चाइना ने आपके जवाहरलाल नेहरू साहब के पीछे खंजर भोंका था, बिकॉज अगर आप नेहरू जी की बात करें तो चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन किए थे इन्होंने। बट 1962 की जो वॉर हुई थी, चाइना ने जो वॉर छेड़ दी थी, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव था चाइना का, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद काफ़ी आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म भी हुआ था नेहरू साहब का इंटरनेशनल लेवल पर। बट देन अगेन वी आर गोइंग इन सम करेंट अफेयर इशूज़ एंड वी आर डीलिंग हियर पॉलिटी, तो वैसे ही पे आ जाते हैं।
फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वो 1946 में फॉर्म हुई थी एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन बन गई थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई सारी बातें। और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो पूरा कंप्लीट होता है। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन फंसेगा आपका जो आप लोग जवाब नहीं दे पाओ। ठीक है, अब मेरे साथ 8 लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोग मुझे उसके जवाब देंगे। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे एंड आई होप आप लोग जो है उसके जवाब बिल्कुल सही दे पाएं, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने ठीक ठाक ही है ऐसा मुझे लगता है ना। मतलब ठीक है, आप लोगों को नहीं लगता होगा लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठीक पढ़ाया है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जवाब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा दो इसके। सी राजगोपालचारी, वेरी गुड देवीलाल, एक्सीलेंट। आई एक्सपेक्ट कि जो अदर्स भी हैं वो भी जवाब दें एंड जस्ट थिंक इट लाइक दैट ना कि वी आर नॉट गिविंग एन आईएएस इंटरव्यू कि इफ यू विल से समथिंग रॉन्ग एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क यू एंड यू गोना हार्म योर पोजिशन। देर इज नथिंग लाइक दैट, जस्ट ट्राई एंड ट्राई टू आंसर। मे बी इट विल बी राइट आंसर, मे बी इट विल बी अ रॉन्ग आंसर, बट दैट्स नॉट मैटर हियर। द थिंग विच इज मैटर कि भाई कुछ समझ रहे हो, कुछ आ रहा है, कुछ पता है तो जवाब दो। ठीक है, तो यहाँ पे देवीलाल के अलावा और लोग जो हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जवाब दीजिए। अब मैं आपसे भी जो पूछ रहा था उसको खोलता हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, विच एक्ट वॉज एक्सेप्टेड द। चलो ठीक है यार, इसको ना मैं सीधे खोलता हूँ, अपने एमएस वर्ड में खोल देते हैं, सामने रहेगा तो आप लोगों को सॉल्व करने में इजी रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, दिख रहा है, क्लियर है। सिराज गोपालचारी, राकेश धाकड़ ने लिखा है। ठीक है, ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और टेस्ट सीरीज में काफी जगहों पे थे, तो मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया है। वैसे आंसर इसमें लिखा हुआ है पर ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। मुझे जल्दी से बता दो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक फॉन्ट इज क्वाइट स्मॉल। मुस्कान जटवानी कह रही है इट्स वेरी हेल्पफुल सेशन, थैंक यू सो मच मुस्कान। एंड आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम का मैंने आपको आईडी बता दिया है, सर्च करिएगा LETSSTUDYY लास्ट में, लेट स्टडी और लास्ट में वाई में ट्रिपल वाई, एट द रेट करके सर्च करिएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी बाय मानवेंद्र पीएस। ठीक है, और वहाँ पे जुड़िएगा, काफ़ी सारे इस टाइप के बेनिफिशियल सेशंस जो हैं आप लोगों के लिए वहाँ पे मैं लेके आऊँगा, तो आप लोगों का उसमें फायदा होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है मेरा, विच एक्ट वॉज एक्सेप्टेड एज द प्रोविनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भैया अभी तुरंत पढ़ा है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यही पढ़ा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि जब तक आप कानून ना बना पाओ आप हमारा वाला ये यूज कर लो। ठीक है, वॉट इज दिस नो देवीलाल आदित्य, मैं समझ नहीं पाया, नो किस चीज के लिए कह रहे हैं आप लोग, क्या मामला है भाई, डाउट आउट है कुछ पूछते चलो, अभी हम लास्ट में डिस्कशन ही कर रहे हैं हमारा, ये नो किस चीज का है? मैं अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है अभी दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना, अभी मैंने इसको फॉन्ट को बढ़ाया है, आई थिंक अब दिखना चाहिए आप लोगों को, और एक नंबर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए 1935 दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भैया लॉर्ड माउंटबेटन, क्या नाम था इनका, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछ लें पहले भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो सी राजगोपालचारी था। ठीक है, अब इसका जवाब दो, मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं दिखा रहा आपको ना, आप लोग आंसर देख लोगे। हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या जवाब दोगे इसका, जल्दी बताइए, अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या जवाब दोगे इसका। मुस्कान आई थिंक नाउ यू कैन इजीली सी दिस क्वेश्चन, अभी क्लियर है ना, अभी तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को यार सभी को, मैंने फॉन्ट बढ़ा दिया है काफी। चलो जवाब दो इसका, हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो
तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्यों है? देखो यार, इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसका मतलब नहीं है वापस एक्सप्लेन करने का। समझ में नहीं आएगा तो बता देना। अब अगला जो है वो पूना पैक्ट से रिलेटेड है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, तो आई डोंट थिंक कि कोई मतलब है, लेकिन चलो ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट? जवाब दो जल्दी से, इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं इसको येलो कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। अरे भाई, जवाब आ ही गया, सी। ठीक है, पूना पैक्ट अपहेल्ड ज्वाइंट इलेक्टोड, सेपरेट इलेक्टोड, ज्वाइंट इलेक्टोड विद रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, ज्वाइंट इलेक्टोड विद द रिजर्व सीट फॉर द कास्ट हिंदूज। तो भैया सी, अंबेडकर साहब गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। क्या कहा था भैया? आप रिजर्वेशन ले लो, लेकिन आपको रिजर्वेशन आप लो, रिजर्वेशन की दिक्कत नहीं है, बट ये जो सेपरेट इलेक्टोड का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे ना आए। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी। सर योर परसेव स्किल सो गुड, इक्विवेलेंट डॉक्टर गौरव गग सर। थैंक यू सो मच राकेश, इतना मतलब आपने काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू सो मच यार। आप लोगों का फ़ायदा हो बस भाई मैं चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यरवदा जेल में हुआ था, ध्यान रखना। व्हाट इज द रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स प्लान बाय द कांग्रेस? क्योंकि भैया क्रिप्स प्लान मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है इसको डिटेल में करने का। देखो, इसमें से कुछ चीज़ें आज छूट गई हैं जो आज हमने पूरा एक सेशन उठाया है, लेकिन आप अगर जो इंडिविजुअल वीडियोज़ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको देखोगे तो ये सारी चीज़ें कवर हैं उसमें। ठीक है, फिर है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बेसिस ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज मेड? बताओ भैया, सिक्स क्वेश्चन का जवाब दो। अदिति, राकेश, दिव्या, देवीलाल, आई नीड टू नो भैया आपका जवाब क्या है। एंड अगर आप लोग अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, तो भैया मेरा कोड जो है MPS, कैपिटल लेटर में MPS का यूज़ करिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अब आप सोचोगे सर आप में कैसे पता पड़ेगा कि आपने हमारा कोड यूज़ किया है, फिर हम आपको कैसे गाइड करेंगे? तो हमको मेल आएगा, हमें पता पड़ेगा कि भैया ये लड़का है, इसने ये जो आपके कोड से इसको किया है, और जब आपने ऐसा किया होगा तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपके एग्जाम तक। सब सब्जेक्ट्स में आप मेरी गाइडेंस ले सकते हो, आंसर राइटिंग में हेल्प ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो बी आंसर आया है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बेसिस ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज मेड? ठीक है, तो इसमें बी आंसर लिखा हुआ है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917। ठीक है भैया, वेरी गुड। देवीलाल का जवाब सही है, अदिति गांधी जी। अब इस पे आ जाओ, आई हैव बीन अटेंडिंग योर लेक्चर सिंस द टाइम यू टॉट एज अ फैकल्टी इन। ओके मुस्कान, थैंक यू सो मच मुस्कान। अब हमारी डेली क्लासेस होंगी, आपको करने आना है भाई। सुबह 9 बजे डेली हमारी क्लास होती है करंट अफेयर की, और रात में डेली 9 बजे पॉलिटी क्लास होती है, और आप लोगों को आपके सर के साथ आना है, पढ़ना है, सीखना है, थोड़ी मेरी नॉलेज को अपने पास लेना है, और आपसे कुछ मैं भी सीख पाया तो मैं भी सीखूंगा, आफ्टर ऑल वी ऑल आर लर्निंग। अगला एक क्वेश्चन हमारा, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, और नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग? सेवेंथ क्वेश्चन का जवाब आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने पढ़ा और अभी हमने इसको भी देखा था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है जो आपके हिस्टोरिकल वाले चैप्टर से आए हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, 395, ऑल दो ऑन मतलब ये अब तो नहीं है 395, लेकिन जब था तब 395 भी हर जगह आपको मिलता है, क्योंकि जब बना था तब यही सब था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सेटिंग अप अ सुप्रीम कोर्ट एज ए कलकत्ता इज अ पार्ट ऑफ, भाई देखो ये तो अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, मैंने आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको ये भी कहा था क्वेश्चन आ सकता है, ये किस एक्ट में कहा था सुप्रीम कोर्ट बनाने को, कितने जजेस थे इसमें, तो चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जज। एक्ट कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। विच एक्ट इज एसोसिएटेड विद कोर्ट्स कैन इंटरप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन? ठीक है भैया, सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, और आई होप चीजें सही लगी हूँ आप लोगों को। दिस इज अगेन, दिस इज माई कोट, यू कैन यूज इट, यू कैन इम्प्लीमेंट इट। 2 साल में अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 1 साल में भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 38,000 कुछ में पड़ेगा। तो भैया जिसको भी लेना है जल्द से जल्द यूज़ करें, और दिस इज़ माई कोट, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। दिस इज़ अबाउट मी,
आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए सेशन की तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए डायरेक्टली। आप इस नाम से इसको सर्च कर सकते हैं, LETSSTUDYYY, या फिर मुझे डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी बाय मानवेंद्र सर या मानवेंद्र पीएस, ठीक है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप मेरा नंबर चाहते हैं, दिस इज़ माई नंबर, आप कोई भी दिक्कत हो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, और अगर कॉल करनी हो तो टेक्स्ट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस पर मैं खुद कॉल कर लूँगा, ठीक है। 7011249333। तो ये सारी चीज़ें थी और हमने यहाँ पे पढ़ा, सीखा, समझा। किसी को आप कोई डाउट है सेशन में बताओ भाई, कोई डाउट है अब तो वो बताओ, वो देखा जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। पढ़ाई कर देना, सभी लोग शुरू करना भाई, मेहनत करना अच्छे से। कोई दिक्कत हो कभी भी आप मेरी गाइडेंस लेने के लिए आ सकते हो, कभी भी आप मेरे से चीज़ें समझ सकते हो। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे जताइए। अदिति कह रही है थैंक्स अ लॉट सर, वो सच्चा हेल्पफुल लेक्चर, थैंक यू सो मच अदिति। कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो कल सभी लोगों को आना है इस टाइम पर, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और अभी भी इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ आफ्टर द सेशन गोज ऑफ, ठीक है। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, अभी मैं उसी पे आपके लिए लिंक शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मुस्कान। तो गुड नाइट गाइज, टेक केयर। बिल्कुल दिव्या, आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी मेरी हेल्प ले सकते हो, एंड वंस यू कैन अफोर्ड इट तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिएगा, बट अगर नहीं भी ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दिस जो मैंने आपको अपने हैंडल्स दिए हैं आप यहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। डेली सुबह 9 बजे करेंट अफेयर की क्लास होती है, डेली रात में 9 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होती है। 9 9 दोनों क्लासेस करने अटेंड करने आना है, समझना है, पढ़ना है, एंड धीरे धीरे हम और क्लासेस भी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो ये लास्ट में जाते जाते आप लोगों के साथ बात आ ही रही है मोटिवेशन की ना, तो बताना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनना मेरी बात। गेट इंस्पायर्ड सही है, और बट किसी को भी आँख बंद करके फॉलो मत करना, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ आईएएस जो बन चुके हैं और फिर उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हुए हैं, तो देर इज़ अ डिफरेंस, जो लोग बोलते हैं और ऐसा होता है उसमें डिफरेंस होता है। साम ऑफ कोर्स आईएएस की जर्नी हर किसी के लिए स्ट्रगल है, बट जितना लोग बोलते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि उतना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पंखा बंद करके पढ़ना है तो वही होगा। जैसे आई वॉज सीइंग अ वीडियो ऑफ अ टॉपर, तो उन्होंने बोला कि भैया फ़ैन नहीं था तो बिना फ़ैन के पढ़ता था। तो एक मेरा दोस्त था तो एक दिन वो कह रहा था कि भैया मतलब कष्ट तो सहना पड़ेगा वरना कैसे होगा, तो फिर वो भी वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने लग गया। तो कहने का मतलब ये नहीं करना है आपको, आपको सुनना है, समझना है, और कोई किसी की स्ट्रेटेजी प्रॉपरली फॉलो नहीं करनी है। हर स्ट्रेटेजी को सुन लो, 4 5 टॉपर्स की सुन लो, एक आध टीचर्स की सुन लो, उसके बाद उसमें से जो आपको अच्छी चीज़ें लग रही हैं सेलेक्ट करो। यूपीएससी में बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइज, वो ये रखनी है कि अपना जो कंटेंट है ना उसको बहुत कम करो। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग बासु भी पढ़ लेते हैं पॉलिटी के लिए, कोई जेएन पांडे भी पढ़ सकता है और लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकता है, कोई तीनों पढ़ लेता है, पर तीनों पढ़ने वाले का कोई मतलब नहीं है। आप लक्ष्मीकांत को 100 बार पढ़ लो दैट्स गुड, इवन बासु और लक्ष्मीकांत को पढ़ने बैठ जाओगे तो नुकसान है। एक किताब को 100 बार पढ़ो, रिवीजन 100 बार कर लो दैट्स गुड, बट 10 सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में मैं देखता हूँ भैया सब कुछ पढ़ते रहते हैं, नहीं, स्पेक्ट्रम ठीक है, विपिन चंद्रा ठीक है, और बाकी आप एनसीईआरटीज ले सकते हो मिडिवल एंशियंट के लिए, इवन मिडिवल को तो स्किप भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि भैया इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वॉट इट इज़, और इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना सभी लोग, है ना। यहाँ पे देवीलाल जो है कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
ठीक है, तो देवीलाल इसका जवाब है लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले आई थिंक फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एक बार कंफर्म कर लेना यार, बट आई थिंक 99% श्योर हूँ जो मैं कि लॉर्ड स्टेनले नाम था उनका। ठीक है, STANLEY। राकेश धाकर सेम टाइम है क्लास का, सुबह 9 बजे करंट अफेयर, रात में 9 बजे पॉलिटी की क्लास। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो सी यू गाइस, टेक केयर।